नमस्कार चाणक्य आई ए एस अकेदमी में आपका स्वागत है हाल के वर्षों में राज्यों और राज्यपालों के बीच की कड़वाहट काफी ज्यादा बढ़ गई है अगर इनके कारणों की बात करें तो यह कारण है कि चुनाव के बाद अगर किसी भी दल को बहुमत हासिल नहीं होता है तो फिर किसी दल को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के द्वारा आमंत्रित किया जाना बहुमत साबित करने के लिए कितनी समय सीमा दी जानी चाहिए इस पर राज्यपाल का कर विचार करना विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल द्वारा अनुमति देने में देरी करना और राज्य प्रशासन पर राज्यपाल द्वारा नकारात्मक टिप्पणी करना अब पिछले हफ्ते की कहानी सुनिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीश धनखड़ को ट्वीट पर ब्लॉक कर दिया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के अनुसार राज्यपाल के अनैतिक और असंवैधानिक मतलब अनैथिकल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बयानों ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया और उन पर सरकारी अधिकारियों के साथ उनके नौकरों की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया राज्यपाल ने भी ट्वीट्स की एक श्रृंखला के साथ इसका जवाब दिया राज्यपाल ने यह बात कही कि सीएम का जो यह कदम है वह संवैधानिक मानदंडों यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के अगेंस्ट है चलिए एक और उदाहरण लेते हैं कुछ दिन पहले तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल आर एन रवि के गणतंत्र दिवस के भाषण के उस भाग पर आपत्ति जताई जिसमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट के लाभों को उन्होंने बताया था तमिलनाडु ने राज्य को नीट की परीक्षा से छूट दिलाने के लिए विधानसभा में एक विधेयक को पारित किया था उस विधेयक को राज्यपाल ने विधानसभा को वापस कर दिया था हालांकि फिर तमिलनाडु विधानसभा ने नीट से संबंधित उस विधेयक को पारित कराया है और फिर वह राज्यपाल के पास है राज्यों और राज्यपालों के बीच कटुता के कई उदाहरणों में से यह दो उदाहरण है अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच की यह तकरार हाल ही के वर्षों की घटना है तो नहीं राज्य सरकारों को अस्थिर करने के लिए केंद्र द्वारा राज्यपाल के पद के दुरुपयोग करने का आरोप 1960 के दशक से लगाया जा रहा है उन्नीस में केरल की की सरकार को राज्यपाल की एक रिपोर्ट के आधार पर बर्खास्त कर दिया गया तब से कई राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया है जिसमें 1971 और 1990 के बीच राज्यपालों द्वारा जारी तिरसठ राष्ट्रपति शासन के आदेश शामिल हैं। केंद्र में गठबंधन युग की शुरुआत के बाद और क्षेत्रीय दलों की मजबूत स्थिति के बाद से इस प्रवृत्ति में कमी आई है अब अगला सवाल यह है कि राज्यपाल राज्य के संबंधों पर आखिर संविधान क्या कहता है तो संविधान के अनुसार राज्यपाल एक गैर राजनीतिक प्रमुख है जो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है जिसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिए परंतु इसके साथ ही राज्यपाल को संविधान के तहत कुछ शक्तियां भी प्राप्त हैं जैसे कि राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति देना या उसको रोकना या चुनाव में त्रिशंकु फैसले इसका अर्थ यहां पर यह है कि अगर चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत ना हासिल हो तो, तो उस त्रिशंकु फैसले के बाद किस पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना है इस पर भी राज्यपाल का निर्णय मायने रखता है और साथ ही साथ बहुमत साबित करने के लिए पार्टी को यथासंभव समय देना हालांकि राज्यपाल और राज्य की सरकार के बीच के मतभेद की सार्वजनिक होने की स्थिति में क्या किया जाए इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है इसका समाधान यह है कि दोनों मतभेदों को अपनी संवैधानिक सीमाओं का पालन कर दूर कर सकते हैं फिर एक सवाल कि आखिर इस तरह के मतभेद की स्थिति आती क्यों है तो अगर संविधान विशेषज्ञों की माने तो उनके अनुसार क्योंकि अब राज्यपाल की नियुक्ति ही राजनीतिक हो गई है जबकि संविधान सभा ने राज्यपाल पद के और राजनीतिक स्वरूप की बात की थी लेकिन राजनेता राज्यपाल बन जाते हैं और फिर चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे देते हैं वहीं संविधान विशेषज्ञ यह कहते हैं कि एक राज्य का मुख्यमंत्री लोगों के प्रति जवाबदेह है लेकिन राज्यपाल केंद्र के अलावा किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है अब इसे संवैधानिक नैतिकता और मूल्यों के विचारों से ढक सकते हैं लेकिन यह एक सच्चाई है जो संवैधानिक सिद्धांत को झुटलाता है केंद्र की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल पर महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है जबकि राज्यपाल का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बना रहता है 2001 में उस समय की सरकार के द्वारा संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश एन वेंकट चलया की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था पता है उस आयोग ने क्या बात कही थी उस आयोग ने बात कही थी कि आज राज्यपाल कलंकित रूप से केंद्र के एजेंट कहे जा रहे हैं तो फिर सवाल यहां पर यह है कि क्या राज्यपाल के पद को उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं या नहीं किए गए हैं तो प्रयास किए गए हैं वो देखें किस रूप में 1968 के प्रशासनिक सुधार आयोग से लेकर 1988 के सरकारिया आयोग और अभी हमने जिस आयोग की बात की मतलब ये कि एम एन वेंकटचलैया की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय आयोग की तो इन्होंने सुधार की सिफारिश की है जैसे कि पांच साल के लिए अपना कार्यकाल तय करने के अलावा प्रधानमंत्री गृहमंत्री लोकसभा अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री के पैनल के माध्यम से राज्यपाल का चयन साथ ही साथ विधानसभा द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग चलाने के प्रावधानों के लिए भी सिफारिशें की गई लेकिन किसी भी सरकार ने इनमें से किसी भी सिफारिश को लागू नहीं किया है तो ये थे प्रयास जिसको कि आपने देखा है तो इस वीडियो में हमने यह देखा कि हाल के वर्षों में राज्यपाल और राज्य की जो सरकारें हैं उनके बीच मतभेद किस रूप में आए हैं राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं और विभिन्न समयों पर जो कमिटियां गठित की गई जो समितियां गठित की गई उनके द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं इसके द्वारा ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं आप हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए धन्यवाद Don't forget to like, share, and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.